नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ग्रेट जेमिनी सर्कस के मैनेजर से की खास बात, सर्कस को लेकर क्या कुछ कहा, देखें इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी में, मनीष कुमार। इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेट जेमिनी सर्कस में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संचालक जो है ग्रेट जेमिनी सर्कस। सबसे पहले तो अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आजम सिद्दीकी है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमने यहाँ सेक्टर 34 में सर्कस लगाया है। हमारा सर्कस का नाम ग्रेट जेमिनी सर्कस है, मैं इसका मैनेजर हूँ। सर, ग्रेट जेमिनी सर्कस की अगर बात करी जाए, क्योंकि सर्कस जो है आने वाले टाइम में मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, जहाँ तक हम सुनते हैं, आपने भी इंटरव्यू वगैरह दिए हैं जो मैंने सुने हैं, कि आने वाले समय में कारण क्या है सर इसका? सर्कस विलुप्त होते चले जा रहे हैं। सर्कस लगभग 3 साल पहले सर्कस को 2 मार पड़ी। एक तो जानवर न होने के चक्कर में लोगों का क्रेज़ ख़त्म होता चला गया, और दूसरा जब से सोशल मीडिया ज़्यादा अपडेट हुआ है, आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं हर टाइम। मोबाइल में जो भी मनोरंजन उन्हें देखना होता है मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से और अन्य माध्यम से देख लेते हैं। परंतु मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल की दुनिया से निकलकर लाइव पारिवारिक मनोरंजन अगर देखना, लाइव आपको फिल्म में भी शूटिंग करा हुआ दिखाएंगे, शूट एक्ट करके दिखाते हैं, लेकिन हमारे सर्कस में सब लाइव है, टोटल लाइव। लाइव परफॉर्मेंस देखना है तो आप सर्कस को देखिए। यही कारण है जो सर्कस विलुप्त होते चले जा रहे हैं, और बचा कुचा आफ्टर कोविड सर्कस विलुप्त हो गए। सर, यहाँ पर रोजाना कितने मतलब चंडीगढ़ वासियों के अंदर आपको लगा कहीं ना कहीं जोश है सर्कस को लेकर, और कितने लोग मतलब रोजाना सर्कस देखने आ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चंडीगढ़ के लोगों में सर्कस को लेकर काफ़ी क्रेज़ पहले भी रहा है। जो यहाँ सर्कस लगते चले आए हैं वो अच्छा रिस्पांस मिलता है पब्लिक की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है। सभी प्रशासन यहाँ सर्कस लगाने के लिए पूरा सहयोग देते हैं, और यहाँ पर सर्कस का क्रेज़ अच्छा रहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है चंडीगढ़वासी हमें भी अच्छा रिस्पांस देंगे, हमारे सर्कस को अच्छा रिस्पांस देंगे। सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे जो आपके पास आर्टिस्ट काम करते हैं, जो कला दिखाते हैं, जो काम करते हैं, उनके वो तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके पास कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं, नंबर एक, और नए बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है 22-23 साल की, उनके अंदर सर्कस को लेकर सीखने की मतलब इच्छुकता है उनके अंदर? इसमें कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से लगभग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, लगभग सभी 5-7 साल पुराने हैं, और मिनिमम 5-7 साल, मैक्सिमम 40 साल हमारे यहाँ कलाकार मौजूद हैं। और रही नई जनरेशन की बात, जो बच्चे सर्कस देखने आते हैं 22 साल 24 साल के, हमारे यहाँ 2-3 आइटम ऐसे हैं जिमनास्टिक जो उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्कस देखने आते हैं 22 साल 24 साल के, हमारे यहाँ 2-3 आइटम ऐसे हैं जिमनास्टिक जो उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनको राय नहीं देंगे कि वो उन एक्ट को करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे कलाकार कला करते हैं उसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 साल 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के बाद ही एक्ट कर पाते हैं, और डेली रूटीन में उनकी प्रैक्टिस रहती है मॉर्निंग में। सर, एक क्वेश्चन है इसमें कि चंडीगढ़ के लोगों के अंदर तो क्रेज़ है यही है, तो कितने रोज़ाना कितने लोग आ जाते होंगे, कितनी टिकटें कर जाती हैं आपके यहाँ? अभी तो सर्कस का रिस्पॉन्स यहाँ कम आ रहा है, अभी तो हमारे सर्कस को ओपनिंग 26 में हुआ था, 26 ऑफ सेप्टेम्बर, अभी 7-8 दिन हुए हैं, अभी क्रेज़ कम है, अभी पब्लिक कम आ रही है। उम्मीद है मुझे थोड़ा आगे चल के अच्छी पब्लिक आएगी, हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करेगी। टिकट प्राइस क्या क्या रखे सर? हमारे यहाँ टिकट प्राइस 3 तरह के हैं, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, 100, 200 एंड 300, जिसके हमने अलग अलग क्लास बनाए। 300 का फ्रंट क्लास है, उससे पीछे 200 का, एंड लास्ट में 100 का है। 3 शो चलाते हैं हम डेली, 1 बजे 4 बजे 7:30 बजे। शो की ड्यूरेशन 2 आवर है, 2 घंटे का शो होता है हमारे यहाँ। प्रशासन का पूरा आपको यहाँ चंडीगढ़ के अंदर पूरा सपोर्ट मिला सर? बिल्कुल, हमें चंडीगढ़ प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, उन्होंने हमें यहाँ सर्कस लगाने के लिए हर तरीके की संभव मदद की। सर, वैसे कौन से इसके बाद कहाँ पे मतलब सर्कस देखने को मिलेगी आपकी? सर्कस ऑल ओवर इंडिया चलता रहता है, अभी तो हमारा कोई प्रोग्राम है नहीं आगे का, अभी यहाँ 15 दिन बाद डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाएगा सर। आखिर में सर, आप एक हमारे अर्थ प्रकाश देख रहे हैं सभी तमाम दर्शकों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर्कस को लेकर? मैं पहले तो आपके अर्थ प्रकाश चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, जो आप हमारा
सर्कस में आए और हमारे यहाँ लोगों को जानकारी देंगे कि सर्कस चल रहा है यहाँ। और आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया से निकलकर अपने बच्चों को लाइव पारिवारिक मनोरंजन दिखाएं, जो आजकल बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। हमारे सर्कस में लाइव जिम्नास्टिक अफ्रीकन आर्टिस्ट दिखाएंगे और भी कई कलाएं, उनको देखिए ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ सर्कस कुछ था। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने सर्कस के जो मैनेजर थे, जिन्होंने लोगों को संदेश दिया कि इंटरनेट की दुनिया से आकर के सर्कस को जरूर देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन हितेश गर्ग के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।